नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको क्रम व्यवस्था के स्थानांतरण वाले प्रश्नों को सॉल्व करने की ट्रिक बताने जा रहा हूं। इससे कुछ समय पहले मैंने ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने की चित्र विधि बताया था, लेकिन चित्र विधि से प्रश्न सॉल्व करने में 2 मिनट तक लग जाते थे, क्योंकि इसमें सबसे पहले चित्र बनाना पड़ता था, उसके बाद आंसर देना होता था। तो आज मैं अपने ही ट्रिक की काट के रूप में एक मुजबानी ट्रिक लेकर आया हूं, जिसके माध्यम से आप 2 मिनट के प्रश्न को मात्र 15 सेकेंड में सॉल्व करने में सक्षम हो पाएंगे और इस तरह से आपका परीक्षा हाल में अमूल्य समय बच जाएगा। लेकिन इस प्रश्न इस तरीके से चित्र विधि से सॉल्व करने की खासियत यह है कि आप एक बार चित्र बना लेंगे, उसके बाद किसी व्यक्ति का नया स्थान बाएं से, पुराना स्थान दाएं से, या बीच का स्थान या कुल स्थान, हर तरह के प्रश्नों को आप देने में सक्षम हो जाते थे। लेकिन मैंने देखा है कि स्थानांतरण वाले प्रश्नों में लास्ट में जाकर सिर्फ यही पूछता है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, कुल छात्रों की संख्या कितनी थी, यानी कि कुल संख्या पूछा जाता है। तो जब कुल संख्या पूछा जाएगा तो चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं, मात्र 15 सेकंड में आप मुंह जबानी ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं और इसमें आपका अमूल्य समय बच पाएगा। तो आइए देखते हैं हमें क्या करना है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है स्थानांतर ट्रिक में कि प्रारंभ से स्थान जो है और वो जो अंत से स्थान है, यानी कि प्रारंभ से स्थान और प्लस अंत से स्थान और प्लस बीच का स्थान हमें जोड़कर टोटल कुल स्थान आराम से प्राप्त किया जा सकता है। तो प्रारंभ से स्थान कौन सा, तो किसी पंक्ति में सुजाता का बाएं से 10वां स्थान, तो 10 लिख दीजिए। प्लस नम्रता का दाएं से कौन सा स्थान, तो 9वां स्थान। ये तो बहुत आसान था। अब यहां पर थोड़ा ध्यान देने की बात है, बीच का स्थान हम कैसे लिखेंगे, यानी कि इन दोनों के बीच में, यहां से यहां 10 और यहां से यहां 9, ये दोनों तो हमने लिख लिया, लेकिन बीच में कितने लोग हैं ये जोड़ दिया जाएगा, तो टोटल इस पंक्ति में कितने लोग हैं पता चल जाएगा। तो बीच का स्थान ज्ञात करने के लिए मैंने एक ट्रिक उस वीडियो में भी बताया था, और इस चित्र वाले विधि को आप अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा, आप जाकर इस ट्रिक को भी देख लीजिएगा, चित्र वाले विधि को भी, क्योंकि इसकी अपनी अलग विशेषता है। तो अब उसमें बीच का स्थान निकालने का ट्रिक है कि नए एवं पुराने स्थान का अंतर और -1 करना है, यानी किसी व्यक्ति का पुराना स्थान भी दिया होगा, नया स्थान भी दिया होगा, और ऐसा व्यक्ति सिर्फ एक ही होगा। जैसे इसमें और देखा जाए, नम्रता का दाएं से स्थान 9वां, लेकिन अब नम्रता का कोई भी स्थान इसमें नहीं लिखा हुआ है। और अगर सुजाता का स्थान देखा जाए तो सुजाता का बाएं से 10वां स्थान था, और बाद में सुजाता का बाएं से 15वां स्थान, यानी दो दो स्थान लिखा है, प्रारंभ में सुजाता का बाएं से 10वां स्थान और अब सुजाता का बाएं से 15वां स्थान, यानी सुजाता का प्रारंभिक स्थान भी हमें पता है और नया स्थान भी पता है। तो ऐसे व्यक्ति को पकड़ लेना है जिसका पुराना स्थान भी पता हो और नया स्थान भी पता हो, उसमें बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देना है। नए और पुराने स्थान का अंतर का मतलब ये हुआ कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा दीजिए, और फिर लास्ट में ट्रिक में यह है कि -1 अपने मन से भी घटा दीजिए, जो आंसर आएगा वही बीच का स्थान होगा। तो इसमें सुजाता का पुराना स्थान 10 और नया स्थान 15 है, तो 15 में से 10 निकाल देंगे तो हो जाएगा इसमें 15 में से 10 निकाल देंगे तो हो जाएगा 5। देखिए लिख के बता दो, 15 में से 10 निकाल देंगे हो जाएगा 5, और फिर 1 अपने मन से और घटा देना है, यानी हमारा हो जाएगा इसमें 4। तो कितना इसमें आंसर हो जाएगा टोटल, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10, 9, 19 और 4, 23। तो इतना सब मैंने लिखा है, लेकिन आपको इतना सब लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगले प्रश्न देखिए, मुंह जबानी कैसे लगाया जा सकता है 15 सेकंड में। तो ये जो मैंने बनाया था, देखिए मैंने मिटा दिया, ये आपका दिमाग है, जो चीजें दिमाग में रखनी है उसे आपको पेन नहीं चलाना है। कक्षा में जूही का बाईं ओर से, यानी क्या करना है, बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान, अब हमें प्लस क्या पता करना है, बीच का स्थान। बस बीच का स्थान पता करने में थोड़ा सा लफड़ा है, यानी पुराने और नए स्थान का अंतर, यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा के -1 और घटा देना। देखिए कैसे करना है, तो जूही का बाईं ओर से 12वां स्थान और राखी का दाईं तरफ से 20वां स्थान, और अब जूही बाएं से कौथी हो गई 22वीं, तो 12 प्रारंभ से स्थान और अंत से स्थान, यानी कि 12 और 20 तो हो जाएगा 32। ये अपने दिमाग में रखिएगा, लिखना नहीं है, पेन नहीं चलाना, मैं आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूँ, ये दिमाग है, दिमाग में आपने रख लिया 32। अब हमें ये प्रारंभ से और अंत से स्थान को हमने जोड़ दिया, अब बीच का स्थान हमें इसमें जोड़ना है,
तो देखिए किस व्यक्ति का, तो जूही का बाई ओर से 12वां स्थान पुराना, और जूही अब बाई ओर से कौथी हो गई है 22वां। ये पुराना स्थान, ये नया स्थान, पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 12 है, ये 22 है, तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा दीजिए, 22 में से 12 चला जाएगा, हो जाएगा 10, और 10 में से ट्रिक के हिसाब से एक और घटाना है तो हो जाएगा 9। अब मुजबानी ही आप 32 में 9 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 41। ये सब कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ मुजबानी करना है, आपका आंसर सटाक से आ जाएगा। तो आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अच्छा लगे तो वीडियो के बिना लाइक किए मत जाइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।